एवरीवन, ये है एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज कभी ना कभी हर किसी को फेस करने पड़ते हैं. बट डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास लॉ है. वो लॉ है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. लेकिन उस लॉ को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है और किसके लिए कौन सी बुक रेलिवेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक. आज मैं यहाँ पे आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ, और आज जो सब्जेक्ट मैं टेकअप करने वाली हूँ वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक बुक के साथ, जो कि है डॉक्टर आर के सिन्हा की बुक. ये बुक बिगनर्स के लिए है, बहुत ही सिंपल बुक है. इस बुक में आपको सारा मैंडेटरी कंटेंट मिलेगा, केस लॉज मिलेंगे, इलस्ट्रेशन मिलेंगे. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. अगर आपको बेसिक लेवल पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं. और अगर अपने लॉ स्कूल में आप पहली बार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तब इस बुक को डेफिनेटली ऑप्ट करिए. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बांगिया है, टॉर्ट के लिए बांगिया है, वैसे ही प्रॉपर्टी लॉ के लिए डॉक्टर आर के सिन्हा की बुक है. तो दिस इज अ मस्ट रिकमेंडेड बुक. अब चलते हैं हमारी दूसरी बुक की तरफ. ये है डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना की बुक. शी इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. इनकी बुक भी काफी हद तक सिमिलर है. ये बुक भी काफी सिंपल है. इस बुक को सेक्शन वाइज उन्होंने प्रेजेंट किया है, और जो भी टॉपिक्स उन्होंने कंटेंट को यूज किया है वो बहुत ही रेलेवेंट तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है. ये बुक भी सेक्शन वाइज है, इसमें भी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको मिलेंगे, और जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं या जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उनका एनालिसिस किया गया है. तो एज एन ऑप्शन फॉर आर के सिन्हा आप इस बुक को भी ऑप्ट कर सकते हैं. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक की तरफ, जो कि है डॉक्टर अवतार सिंह की बुक. ये एक रेफरेंस बुक है जो कि कमेंट्री फॉर्म में है. तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपने डॉक्टर आर के सिन्हा पढ़ ली है, डॉक्टर पूनम प्रधान सक्सेना की पढ़ ली है, और आप अपने को लेवल अप करना चाहते हो, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं. फॉर एनालिटिकल स्टडी ये बुक काफी अच्छी है. ये बुक भी सेक्शन वाइज है, इसमें भी आपको इलस्ट्रेशंस और केस लॉज मिल जाएंगे, बट ग्रे एरियाज के लिए आप इसे फॉलो करें तो ज्यादा बेटर होगा. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक की तरफ, जो कि है मुल्ला जी की बुक. ये बुक एक रेफरेंस बुक है ये भी, लेकिन ये मैं स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी. ये बुक उनके लिए अच्छी है जो कि एकेडमिशियंस हों, रिसर्चर्स हों, या फिर जैसे कि ये प्रॉपर्टी लॉ है, तो जो सिविल लॉयर्स प्रॉपर्टी लॉ में डील कर रहे हों, या कोई भी लॉ फर्म है जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर को डील कर रही हो, इन दैट केस आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है. अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि है अदर बुक्स का. ये बेसिकली गाइड्स हैं. मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इनके बारे में बता चुकी हूँ. रेगा सूर्या राव की गाइड है, सिंगल्स की है, आप इन सबको फॉलो कर सकते हो. एके जैन की है. बेसिकली ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको कंटेंट एक जगह पर चाहिए, या फिर अगर आपको अपना सेमेस्टर एग्जाम वगैरह क्लियर करना है या रिविजन करना है, इन दैट केस आप इन बुकीज को या इन गाइड्स को फॉलो कर सकते हो. तो अब आते हैं मॉड्यूल्स पे. अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है और आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आप वहाँ के स्टडी मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं. मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ का जो कंटेंट होता है वो रिसर्च्ड होता है, और आपको सारा रिसर्च मटेरियल कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह मिल जाता है, जो कि आपको प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन में हेल्प करता है. तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए. ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.